एकलव्य वासुदेव के मित्र देवर्षि के इकलौते संतान थे। यही वासुदेव श्री कृष्ण के पिता थे। देखा जाए तो एकलव्य श्री कृष्ण के भाई के समान थे। निषाद के गुरु हिरण्यधनुष ने एकलव्य को पाल पोसकर बड़ा किया। ये मगध देश के राजा जरासंध के गुरु भी कहलाए जाते थे। एक समय की बात थी, एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वासुदेव ने उन्हें हिरण्यधनुष के पास धनुर्विद्या हासिल करने भेजा। बेटा एकलव्य, हम घने जंगल में बहुत दूर तक आ गए हैं। हम सारे सगे संबंधियों को छोड़ के आए हैं, इसलिए अपना ध्यान भटकने मत देना और संभल कर रहना बेटा। पिताश्री, हम कौन से राज्य में आए हैं? हम हस्तिनापुर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हस्तिनापुर? वो तो मगध के शत्रु कहलाए जाते हैं। पिताश्री, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? यह सब तुम्हारे भले के लिए है बेटा। हिरण्यधनुष अपने पुत्र को वहीं छोड़कर किसी कार्य के संबंध में आगे बढ़ गए। वहीं गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र विद्या दे रहे थे। अर्जुन, अपने धनुष से लक्ष्य को भेदो। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, तुम एक अच्छे धनुर्धारी हो, और अच्छे से शस्त्र विद्या प्राप्त करोगे तो इस संसार में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। जैसा आप कहें गुरुदेव। पुत्र भीम, मेरे निकट आओ। आ गया गुरुदेव। तुम्हें इस वत्स के साथ द्वंद्व युद्ध करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। Ah!
भीम, तुम अपनी शक्ति से किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकते हो, पर तुम्हारा अभ्यास यहीं समाप्त नहीं होता। पुत्र भीम, तुम्हें ये बात याद रखनी है। अवश्य याद रखूंगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य ही मेरे असली गुरु होंगे, उन्हें ही मैं अपना गुरु बनाकर उनसे शस्त्र विद्या का ज्ञान लूंगा। एकलव्य ने बड़े आदर से गुरु द्रोणाचार्य के समीप अपना परिचय दिया। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? गुरुदेव, निषाद के गुरु हिरण्यधनुष का पुत्र हूँ मैं। मेरा नाम एकलव्य है, आपके साथ धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य अचंभित होकर सोचने लगे कि एक बालक आकर मुझसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता है। अच्छा निषाद, देखो पुत्र, तुम्हारी सच्चाई पर हमें गर्व है, पर मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु हूँ, तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य ये जान चुका था कि द्रोणाचार्य कभी उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं सिखा सकते। एकलव्य बड़ा मायूस होकर वापस चला गया। एक रात उस गुरुकुल में हस्तिनापुर के राजकुमार बड़ी ही गहरी निद्रा में सो रहे थे, तभी एक कुकुर की आवाज से उन राजकुमारों की निद्रा भंग हो गई। मेरे प्रिय भाइयों, इस कुकुर के चिल्लाने से हम सबकी निद्रा भंग हो रही है, कोई तो जाकर उसे शांत करो। भ्राताश्री, कुकुर के चिल्लाने की आवाज हम कैसे रोक सकते हैं? कोई तो कारण है, इसीलिए ये कुकुर इतना चिल्ला रहा है। वो तो मैं भी जानता हूँ नकुल, पर इस कुकुर के कारण निद्रा भी तो नहीं आ रही। वो वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में बाणों की आवाज से कुकुर के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। उस कुकुर की आवाज अचानक से रुक गई। बाहर आने पर राजकुमार उस कुकुर को देखकर अचंभित हो गए। जब उन्होंने देखा तो उस कुकुर के मुंह में 7 बाण घुसे हुए थे। किसी ने उस कुकुर के मुंह को बाणों से छेद कर रखा था। अर्जुन, ये तुम्हारा ही काम है ना? नहीं भैया, ये मैंने नहीं किया। सच कहूं तो इस दृश्य को देखकर मैं भी अचंभित हो गया हूं। अर्जुन ने संकेत लगाया कि किस दिशा से बाण चलाए गए थे। जब राजकुमार गुरुकुल से बाहर गए, ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी उनके पीछे गए। समय पश्चात उन्होंने एकलव्य को वहां देखा। वहां लक्ष्य साधते देख अर्जुन ने एकलव्य से प्रश्न पूछा, कौन हो तुम? तुमने हमारी जैसी धनुर्विद्या कहां से सीखी? कौन है तुम्हारे गुरु? द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं। मेरी यह शस्त्र विद्या सिर्फ मेरे गुरु द्रोणाचार्य की ही देन है। तुम झूठ बोल रहे हो एकलव्य। गुरुदेव, आप आ गए। मुझे ज्ञात था कि आप जरूर आएंगे। तुमने मुझे अपना गुरु किस अधिकार से मान लिया? ये सारी शस्त्र विद्या मैंने आप ही से सीखी है गुरुदेव। आपकी प्रतिमा को मैंने मन ही मन अपना गुरु बनाकर मैंने ये शस्त्र विद्या प्राप्त की है गुरुदेव। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो और जो भी शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो हमसे की है। हाँ गुरुदेव, यही कड़वा सत्य है। तो ठीक है, गुरु दक्षिणा देने का समय आ चुका है। दक्षिणा में आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। गुरु दक्षिणा देकर मैं अपनी इस धनुर्विद्या का ऋण उतारना चाहता हूँ। गुरु दक्षिणा के तौर पर तुम हमें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दोगे।
गुरु द्रोणाचार्य के इन शब्दों से सारे राजकुमार अचंभित रह गए, पर एकलव्य के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि वो अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बस कुछ और ना कहते हुए एकलव्य ने अपने मयान से कटार निकाली और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरुदेव को समर्पित कर दिया। ये रही आपकी गुरु दक्षिणा मेरे सबसे प्रिय गुरुदेव। हमें ये गुरु दक्षिणा स्वीकार है। आज से तुम्हारी धनुर्विद्या समाप्त होती है। तुम तत्पश्चात अपने मगध देश की तरफ प्रस्थान करोगे, यही तुम्हारे गुरु का आदेश है। एकलव्य बिना कुछ कहे वहां से अपने देश के लिए प्रस्थान हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ये अवश्य जानते थे कि बिना अंगूठे के भी एकलव्य धनुर्विद्या में महापराक्रमी बन सकता था, पर एकलव्य ने अपनी शिक्षा और अभ्यास को अधूरा नहीं छोड़ा। अपने अंगूठे के बिना भी वो जरासंध की सेना में शामिल होकर एक महावीर कहलाया गया। और देखने का मन कर रहा है ना आपको, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच, सब्सक्राइब करना मत भूलना।